फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कल्पी टिप्स। हर बार की तरह नई ट्रिक के साथ मैं आई हूँ। इस बार की वीडियो में हम नई ट्रिक सीखेंगे। जैसे धागा मशीन में बार बार टूट जाता है सिलाने के टाइम पे, उसके दो सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट सॉल्यूशन देखिए, ये जो सुई है, जो हमने मशीन में ये जो सुई यूज़ की है, उसको प्रॉपर तरीके से लगाया है कि नहीं वो चेक करेंगे। ये मशीन की सुई का एक साइड का जो पार्ट होता है वो प्लेन होता है, और एक साइड का साइज जो होता है वो राउंड होता है। और हमें क्या करना है, जब ये मशीन में हमें यूज़ करने के टाइम पे, जो प्लेन वाला जो साइड है, राउंड वाला साइड बाहर के साइड में, और जो प्लेन वाला राउंड प्लेन वाला जो साइज़ है वो अंदर के साइड करना है। और कोई कोई सुई जो होती है वो पूरी राउंड होती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप कैसे भी बिठा सकते हैं। मगर यहाँ पे जो प्लेन है वो अंदर के साइड, और जो राउंड है वो बाहर के साइड, ऐसे करके हमें इसको फिट करना है। ये एक सॉल्यूशन है, जैसे बार बार सुई का धागा, मतलब ये धागा जो है बार बार टूट क्यों रहा है, ये एक सॉल्यूशन हो सकता है। और सेकंड सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगी। सेकंड सॉल्यूशन में हमें ये वाले पार्ट्स को क्लीन करना है। ये वाले पार्ट्स हम लोग, मतलब बार बार इसमें यूज़ कर करके इसमें कचरा जम जाता है, इसकी हम क्लीनिंग करेंगे इस वाले पार्ट्स की। देखिए मशीन का ये जो पार्ट्स है, यहाँ पे जैसे ऊपर से रील जो है यहाँ से होके जाती है, ये पार्ट्स हमें एक एक करके निकाल के इसको क्लीन करना है। देखिए जैसे हम इसको निकाल रहे हैं, वैसे ही हमें फिर वापस उसको सेट करना है। बाय वन जैसे हम इसको उतार रहे हैं, वैसे ही उसको अटैच करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, इधर बहुत जो कचरा जमा हो गया है वो हमें क्लीन करना है। ये देखिए, इसको अच्छे से क्लीन कीजिए। ये आप देख सकते हो, जिस कपड़े से मैंने इसको साफ़ किया है, ये बहुत ही इसमें कचरा जमा हुआ है, इसको अच्छे से क्लीन कीजिए। और जो जो पार्ट्स हमने जैसे उतारे हैं इसको, वो भी हमें क्लीन करने हैं। यहाँ पे चाहिए तो आप थोड़ा ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा ऑयल डाल सकते हैं ताकि ये थोड़ा और क्लीन हो जाए। ये देखिए, ये वाला पार्ट्स क्लीन हो गया। और जो जो हमने ये देखे, ये पार्ट्स जो हमने निकाले हैं, उसको भी हमें क्लीन करना है अच्छे से। ये देखिए, आप चाहिए तो इसमें भी थोड़ा ऑयल ऐड कर सकते हैं। और ये जो पार्ट्स हमने ये निकाले हैं, उसको वैसे ही क्लीन करके वैसे ही लगा देने इसमें। ये देखिए, वन बाय वन। देखिए बहुत ही इसमें कचरा जमा हो गया है, आप देख सकते हो, इसको अच्छे से क्लीन करके। वापस इसको वैसे ही जोड़ दिया है मैंने। ऐसे क्लीन करने के बाद आप ट्राई कीजिए, मशीन का धागा टूटना कम हो जाएगा। और ऐसे पार्ट्स क्लीन करने के बाद आप ट्राई कीजिए, धागा टूटना बंद हो जाएगा।
फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल और रिलेटिव्स में शेयर कीजिए, और आप नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।